रश्मि, आपका स्वागत है मेरे ट्रैवल ब्लॉग में। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं लोधी गार्डन। लोधी गार्डन में हम देखेंगे मोहम्मद शाह गुम्बद, लोधी गार्डन के बहुत खूबसूरत ग्रीन व्यू, सानवी की मस्ती, सीस गुम्बद, बड़ा गुम्बद और ढेर सारी चीजें। और लास्ट में जरूर देखें लोधी गार्डन के नाइट व्यू जो कि काफी खूबसूरत है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तैयार है, हम लोग सारे रेडी हो गए हैं और आप देख सकते हैं बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। हम आगे बैठे हैं, मामा पीछे बैठी है, पापा भी आगे बैठे हैं। कैसा लग रहा है? हम उनको अच्छा लग रहा है। ढोला कुआं पूछने वाले हम लोग। शाम के 4:30 बज रहे हैं और 20-25 मिनट में हम लोग लोधी गार्डन पहुंच जाएंगे। बारिश लग रही है कि बारिश होने वाली है, बारिश का मौसम है और ये बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। जो ट्रैवल करते होंगे बारिश में, उन्हें पता होगा कि बारिश में ट्रैवल करना कितना मजेदार अनुभव है। हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे कम बारिश हो जाएगी और ये कम हो गई, बारिश लगभग बंद हो गई है और उम्मीद है कि हम लोग पहुंचेंगे तो बंद ही रहेगी। और ये हम लोग लोधी गार्डन पहुंच गए। हल्का हल्का बारिश हो रहा है, बहुत हल्का हल्का बारिश हो रहा है, तो हम लोग छाता ले लिए है। सानवी भी अपना छाता ली है। आप वहाँ के ग्रीन व्यू देख सकते हो कितना खूबसूरत है। बहुत पीस है, शांत है। कोविड के टाइम में अगर आप क्राउड अवॉइड करना चाहते हैं तो जैसे मॉल्स, मार्केट आप अवॉइड करना चाहते हैं तो ये सब बहुत अच्छी जगह है जहाँ आप हैंग आउट कर सकते हो। ये आप देख सकते हो दूर से कितनी अच्छा व्यू आ रहा है मोहम्मद शाह गुम्बद का। और हम यहाँ पे 3 गुम्बद देखेंगे, मोहम्मद शाह गुम्बद, सीस गुम्बद और बड़ा गुम्बद। तो ये पहला मोहम्मद शाह गुम्बद, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम लोग पहुंच गए हैं, बारिश अभी हल्की हल्की हो रही है। मजार पे डॉगी सो रहा है, मेरी बेटी डॉगी को देख के बहुत खुश हो जाती है और डॉगी को हेलो हेलो बोल रही है। और अब हम आपको गुम्बद के चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं। ये चारों तरफ का ग्रीन व्यू जो कि बहुत खूबसूरत लगता है, ये आप देख सकते हो बहुत ग्रीन है और क्राउड भी नहीं है तो हम लोग को अच्छा लग रहा है। और ये हम वापस आ गए, मेरी बेटी को फिर से डॉगी मिल गया, वो डॉगी से बातें कर रही है। ये बाहर से मैं दिखा रही हूँ व्यू, मोहम्मद शाह गुम्बद का व्यू बाहर से। ये मोहम्मद शाह गुम्बद बहुत फेमस है यहाँ पे, ये लोधी गार्डन बहुत फेमस है प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए, मैटरनिटी फोटोशूट के लिए। फिल्म भी बहुत शूट हुए हैं यहाँ पे। जैसे ये लोधी गार्डन पूरा 90 एकर्स में फैला हुआ है, तो अगर आपके पास समय हो, टाइम हो, तो आप एक फुल डे इंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो, बहुत अच्छा जगह है। शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख सकते हो लाइट ऑन हो गया, चारों तरफ लाइट रोशनी है। ये हम लोग व्यू देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बारिश का टाइम है तो ग्रीन भी व्यू बहुत अच्छा लग रहा है।
लाइट में और खूबसूरत लगता है। मेरी बेटी सानवी बहुत इंजॉय कर रही है, उसको बहुत ओपन स्पेस मिल जाता है तो वो दौड़ने लगती है, इंजॉय करने लगती है। और ये हम लोग दूसरा गुंबद की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ते में एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, बर्ड के बारे में जानकारी दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड पाए जाते हैं, देखने को मिलता है, वो डिस्प्ले बोर्ड में लिखा हुआ है। आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होगा चिड़िया का। ये बड़ा गुंबद दूर से देख सकते हो व्यू। सानवी का स्नैक्स का टाइम हो गया है तो फिर वो थक भी गई है, तो हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो इस बीच आपको हम दिखा रहे हैं बड़ा गुंबद का व्यू बाहर से। अब आपको साइड व्यू दिखा रहे हैं बड़ा गुंबद का। ये साइड व्यू आप देख सकते हो, ये फ्रंट व्यू बड़ा गुंबद का। ये फ्रंट व्यू है, आप क्लोजअप में दिखा रही हूँ। मैं आपको सीस गुंबद का व्यू दिखा रही हूँ, जो कि जस्ट सामने है बड़ा गुंबद के। ये क्लोजअप व्यू है सीस गुंबद का, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब आपको थोड़ा सा अंदर जाके मैं दिखा रही हूँ। अंदर मजार है, ये देखो बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा है। और ठीक इसके सामने बड़ा गुंबद का व्यू देख रहे हैं आप। और ये सानवी का स्नैक्स फिनिश हो गया। अब हम लोग बड़ा गुंबद की तरफ जाएंगे क्लोजअप व्यू के लिए सानवी के साथ। लाइट पूरी तरह से ऑन हो गई है, आप देख सकते हो पार्क में। ये बड़ा गुंबद, ये बड़ा गुंबद मस्जिद के नाम पे भी फेमस है। मैं आपको क्लोजअप व्यू दिखा रही हूँ। ये बड़ा गुंबद का बैक एरिया है, यहाँ का व्यू देख सकते हो आप। सानवी बहुत नॉटी है, एक जगह रुकती नहीं है, तो फटाफट कभी इधर कभी उधर, तो उसका हाथ पकड़ के मुझे चलना पड़ता है, नहीं तो वो दौड़ने लगती है इधर उधर। स्टेप पे छोड़ दूं मैं तो वो तो भागने लगेगी। ये योगा स्थल है बड़ा गुंबद के ठीक पीछे। ये हर्बल गार्डन, बाय बाय कर दो। रात की वजह से मैं आपको इसका डिटेल नहीं दे सकती हूँ। अब जाने का टाइम हो गया, लाइट पूरी तरह से ऑन हो गया। ये मोहम्मद शाह का गुंबद आप देख सकते हो, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये रात का व्यू देखने के लिए मैं रुकी हुई थी। ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है रात का व्यू, पूरे रोशनी में जगमग कर रहा है, बहुत बहुत खूबसूरत है। ये मैं आपको दूर से व्यू दिखा रही हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और भी ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।